नमस्कार मित्रों, मुक्त के उपचार चैनल में आज सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूंगा बकरे के मांस में क्या क्या समस्या होती है, क्यों नहीं खाना चाहिए, इस बारे में मैं आज थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो इसमें जो सरकारी रिपोर्ट है वो क्या क्या है, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, उसमें बताना चाहूंगा कि अगर जो 100 ग्राम बकरे का मांस है तो उसमें 294 कैलोरी ऊर्जा होती है और उसमें कुल वसा 21 ग्राम होती है, संतृप्त वसा होती है 9 ग्राम, बहु संतृप्त वसा 1.5 ग्राम, मोनो असंतृप्त वसा है 9 ग्राम। माने ये 9 ग्राम है, ये खतरनाक है थोड़ी। और कोलेस्ट्रॉल जो है इसमें 97 मिलीग्राम है, माने इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। कोलेस्ट्रॉल पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सोडियम भी इसमें 72 मिलीग्राम, पोटेशियम 310 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट 0, आहारीय रेशा बिल्कुल 0 और शर्करा 0, प्रोटीन 25 ग्राम है, विटामिन ए नहीं है, कैल्शियम इसमें 17 मिलीग्राम है, विटामिन डी है 2 और विटामिन B12 भी 2.6 और इसमें विटामिन सी जो है वो भी नहीं है। आयरन भी इसमें 1.9 मिलीग्राम है, विटामिन B6 भी 0.1 मिलीग्राम, मैग्नीशियम भी है 23 मिलीग्राम। अब इसका रिजल्ट बता दें, रिजल्ट ये है आहारीय रेशा इसमें है ही नहीं, आहारीय रेशा नहीं है, विटामिन सी नहीं है, है ना। और इसमें और कोलेस्ट्रॉल इसमें ज्यादा है, डाइजेशन में बहुत तकलीफ देने वाला होगा, होता है ये। और ये मतलब डाइजेशन को सबसे ज्यादा तकलीफ देगा और डाइजेशन खराब करेगा, इससे पेट संबंधित बीमारियां होने की आशंका ज्यादा है। इसलिए बकरे का मांस भी मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, ना खाए तो ज्यादा अच्छा, खाएगा तो फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और ये लैम्ब का है, लैम्ब माने छोटे बच्चे का मांस का है, इसमें बहुत तकलीफ देने वाला है, तो इसलिए बकरे का मांस भी नहीं खाना चाहिए, इसलिए ये दिक्कत देने वाला है। इसमें क्या लिखा है, ये तो इसलिए ये भेड़ का बच्चा इसमें शामिल है और उसका यदि लेते हैं तो ये तकलीफ देगा। और किशोर में थोड़ा सा ज्यादा होता है और ये मनुष्य को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।